मैं सभी से ये कहूंगा कि गौ सेवा करें। और रविदास जी ने, जो संत रविदास जी ने कर्म को प्राथमिकता दी है कि कर्म प्रधान है, इसे मैं सभी को रविदास जयंती की लख लख बधाई देता हूँ। और ये जो संत महात्मा की जयंती आती है, ये युवा पीढ़ियों को संदेश देने के लिए आती है, उनके बताए हुए कार्य, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए एक माध्यम होता है कि उनके याद करें, उनके बताए हुए मार्गों से युवा पीढ़ी को परिचित कराएं, जिससे वो सच मार्ग में जा सकें। तो हम इसीलिए सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग संत महात्माओं की बातें सुनिए और सच्चे मार्ग में चलिए। संत रविदास जी ने जो कहा है उस पर अमल करिए और उनकी बताए हुए मार्ग पर चलिए। उन्होंने कहा है, गंगा के दर्शन ही गंगा की आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, गौ सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, मानवता की सेवा करिए, अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। फल तो परमात्मा देगा ही, जिस वृक्ष जो वृक्ष लगा है उसमें फल तो निश्चित लगेंगे। अगर उसको पानी, जल, वायु, जो प्राकृतिक की उसकी चीज़ें हैं उपूर्ति की पूरी मिलती रहेगी, तो उसमें फल तो निश्चित लगेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे इधर आइए, ये गौ भक्त एक और आए, इनको आप खिलाइए। और ये मैं कहना चाहता हूँ सभी को, रविदास जयंती की लख लख बधाई हो, और मानवता की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, और संत रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। उन्होंने कर्म को प्रधानता दी है, ऊंच नीच के भेद को समाप्त किया है, मानवता को एक माला में पिरोया है, इंसानियत को एक माला में पिरोया है। तो मैं सभी को रविदास जयंती की लख लख बधाई देता हूँ। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी से अपील करता हूँ कि संतों की, महात्माओं की, सबकी सेवा करिए। जो भी आप मानव जाति, पशु पक्षी जो भी हैं, उनकी सेवा करिए, उनके प्रति प्रेम करुणा स्नेह का माहौल दिल में रखिए, जिससे वो खुशहाल रहेंगे तो आप भी खुशहाल रहेंगे। मैं सभी को एक बार पुनः संत रविदास जयंती की बधाई दे